इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर पॉलिटेक्निक छात्राओं का फूटा है गुस्सा। छात्राओं ने देहरादून हाईवे पर लगाया है जाम। छात्राओं ने प्रधानाचार्य को हटाने की करी है मांग। प्रधानाचार्य पर छात्राओं ने लगाए हैं कई गंभीर आरोप। टॉयलेट की सफाई और कीड़े वाली सब्जी देने का आरोप लगा है। हाईवे पर लगा रखा है लंबा जाम। तो बड़ी खबर सहारनपुर से आपको बता रहे हैं जहां पर छात्राओं पॉलिटेक्निक की छात्राओं ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं प्रधानाचार्य पर। टॉयलेट की सफाई ना करना, कीड़े वाली सब्जी देने के आरोप लगाए और तस्वीरों में आप देखिए हाईवे जाम लगा रखा है और एक लंबा जाम हाईवे पर लगा है। छात्राओं ने समझाने के लिए अधिकारी पहुंचे हैं। सावित्रीबाई फुले राजकीय पॉलिटेक्निक में पढ़ती है ये सभी छात्राएं। तो आप देख सकते हैं कि सरकारी अमला समझाने की कोशिश कर रहा है, बावजूद इसके समझने को तैयार नहीं है छात्राएं और अपनी मांग पे अड़ी हुई है। पॉलिटेक्निक के प्रधानाचार्य को हटाने के विरोध में ये प्रदर्शन कर रही है और आपको बता दें कि जिसके चलते राजमार्ग जो है देहरादून राजमार्ग वो पूरी तरह से बाधित हो चुका है। गौरव सैनी हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं सहारनपुर से। गौरव, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि प्रधानाचार्य के खिलाफ धरने पर बैठी हैं ये छात्राएं? केन्यूज ने इस खबर को बहुत ज्यादा प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद की सावित्रीबाई फुले जो स्कूल है पॉलिटेक्निक का, उसके अंदर छात्राओं ने अपना खुद का एक वीडियो वायरल किया था, जिसमें की छात्राएं टॉयलेट साफ कर रही थी और दूसरी ओर कीड़े वाली सब्जी छात्राओं को दी जा रही थी। तो जिसके आरोप ये था की प्रधानाचार्य उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार कर रही है। प्रधानाचार्य के ऊपर उन्होंने अनेक दुर्व्यवहार के आरोप लगाए थे, जिसको देखते हुए छात्राओं का इतना ज्यादा गुस्सा फूट पड़ा है कि उन्होंने हाईवे को जाम कर दिया। जाम करने के बाद वहां पर से उठने का नाम नहीं लिया, लेकिन एसडीएम सदर वहां पर पहुंच गए। पहुंचने के बाद उन्होंने छात्राओं को समझाया कि कानूनी तौर पर जो भी प्रक्रिया है वो की जा रही है और जल्द ही प्रधानाचार्य के ऊपर एक बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारियों को बताने के लिए सहारनपुर से। इस वक्त की अब अपने बड़ी खबर आपको बता दें, सावित्रीबाई फुले राजकीय पॉलिटेक्निक की छात्राएं धरने पर बैठी हैं और जिसके चलते देहरादून राजमार्ग भी बाधित है। और इसी बीच